नमस्कार और आदाब, मैं मुक्ता आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उर्दू विषय, उर्दू भाषा के से जुड़े किसी न किसी एक टॉपिक पर। और आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है रुबाई। तो आज के जो हमारा सेशन है, आज के जो हमारा ये सत्र है, जो टॉपिक है वो है रुबाई, वो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए, यानी क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है वो पीएमए विद्या के चैनल नंबर 10 पर प्रसारित हो रहा है। और ये जो टॉपिक है आज का हमारा ये रुबाई, इसे पढ़ाने के लिए जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुआज़मुद्दीन सर, इज़ वर्किंग विद एनसीईआरटी एट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जो है बच्चों आपका भी इस्तकबाल है। तो हमारे छात्रों से मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपकी हो इस सत्र के लिए, इस टॉपिक से जुड़ी, तो आप जरूर हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप हमारे साथ ईमेल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और चलिए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। उर्दू का जो विषय है, उर्दू की जो भाषा का आज हमारा टॉपिक है रुबाई, उससे हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि वो क्या इस सत्र में, ये जो रुबाई हमारा आज का टॉपिक है, क्या पढ़ाने वाले हैं सर। बच्चों आदाब, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज का पढ़ने का सबक जो हमारा है वो रुबाई है। रुबाई के पहले आप गज़ल भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारी नज़में भी पढ़ चुके होंगे, इनके अलावा आप मरसिया और कसीदा के नाम से भी वाकिफ़ होंगे। रुबाई के जिसको इस हिस्सा के हम जानते हैं कि कोई भी शायर या अदीब होता है तो अपने ख्यालात का इजहार कई तरहों के सख्त करता है वो, और आमतौर पे किसी भी लिटरेचर की दो किस्में होती हैं ब्रॉडवे में, एक तो होता है प्रोज, एक पोइट्री, यानी जिसको हम नसर कहते हैं और नज़्म कहते हैं। अगर हम नज्म के मानों में ले तो नज्म की ये बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें गज़ल भी है, कसीदा भी है, मरसिया भी है, मसनवी भी है, रुबाई है, कथा है, मुसद्दस है, मुखम्मस, यानी बहुत सारी किस्में। तो आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो नज्म की एक नज्म की या शायरी की एक किस्म है, जिसको हम रुबाई कहते हैं। रुबाई का मतलब ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है चार चार, यानी इसके पूरी एक बहुत अहम सिनफ है, बहुत अहम सिर्फ और मुख्तसर जो है सिनफ ये, जिसमें सिर्फ चार मिसरे होते हैं और चार मिसरे में ही शायर अपनी बात मुकम्मल करता है, और उसके अलावा उसकी गुंजाइश नहीं होती कि वो अपनी बात जो भी कहना चाहता है वो पांचवें मिसरे में कहें। तो चार मिसरों पे जो मुख्तसर नज़्म होती है उसको हम रुबाई कहते हैं। रुबाई और कथा आमतौर पर साथ साथ लिए जाते हैं, लेकिन रुबाई और कथा में फ़र्क है। कथा में भी चार मिसरे हो सकते हैं, चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रुबाई में सिर्फ चार मिसरे हो सकते हैं, पहला फ़र्क तो यह है। और रुबाई जिस तरह से गज़ल मुख्तलिफ़ बहर में या औज़ान में लिखी जाती है, उसी तरह कथा भी मुख्तलिफ़ औज़ान में लिखा जा सकता है, लेकिन रुबाई के लिए जो वतन मखसूस है वो, और जो बहर मखसूस है वो बहर हज़ज है। इसमें आपको तस्वीर में इस सतह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहर हज़रत क्या होती है और रुबाई किसको कहते हैं, और इसके 24 औज़ान होते हैं, यानी 24 तरह से हम रुबाई कह सकते हैं। इसमें एक तो फिक्र ख्याल को अपने बहुत ही मुकम्मल तौर पे और कंसोलिडेटेड फॉर्म में पेश करना होता है। रुबाई अपने जैसा कि कहा कि अपने आप में मुकम्मल होती है, और इसमें कोई इसके मौजूदात अलग नहीं होते, मौजूदात इसको कोई भी हो सकता है, किसी इसकी तख़सीस नहीं है, कोई ख़ास मौजू इसमें नहीं है। इसमें हमद की भी आ सकती है, नात भी आ सकती है, यानी हमद जिसमें खुदा की तारीफ हो, नात उस कलाम को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ हो, इसी तरह इश्किया मज़ामीन भी बांधे जा सकते हैं, इस आशिकी के कोई अखलाकी मज़मून हो, फ़लसफियाना मज़मून हो, या किसी और चीज़ पर मज़मून हो, फ़ना का तस्वुर वगैरह वगैरह रुबाई में पेश किए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ शायरों ने शुरू से ही रुबाई को कहना शुरू किया था, जितने भी बड़े अहम शायर गुजरे हैं तकरीबन सभी ने गज़लों के साथ साथ रुबाइयात भी लिखी है, रुबाइयाँ भी लिखी हैं। सर यहाँ पे आपने बात करी फेमस शायरों की जिन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं, तो क्या हम इस सत्र में जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो कवि रहे, शायर हैं जिन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं, तो क्या हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं सत्र में? हाँ, जिन जो हमारे निसाब में शामिल है उसमें तीन लोगों की रुबाइयाँ शामिल है। एक तो मीर अनीस है,
और दूसरे जो है तिलोक चंद महरूम है और तीसरे फिराक गोरखपुरी। इस पे जब हम रुबाई पे बात करेंगे अभी आगे उनकी रुबाइयों पर, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। वैसे हमारे निसाब के किताब में भी ये दिए हुई है इनके बारे में हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर। लेकिन रुबाई जैसा कि इसमें हमने कहा कि कथा में भी चार मिसरे होते हैं, हो सकते हैं, और रुबाई में चार मिसरे तो होते ही, पाँचवा नहीं होता, तो इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है हम काफिया होता है। रुबाई का पहला चार लाइनें होती हैं, तो पहली, दूसरी और चौथी लाइन इसकी हम काफिया होती है, जबकि ख़त्म में जो है पहला ही, पहली, तीसरी और चौथी जाने, यानी उसके दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में हम काफिया होते हैं। और रुबाई में मुरद्दब भी हो सकते, गैर मुरद्दब, यानी इसमें रदीफ भी इस्तेमाल भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन रुबाई में काफिये का होना लाजमी है। और काफिये की तारीफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं नज़्म में, और गज़ल के ख़ास तौर पर गज़ल के हवाले से आप काफिया और रदीफ की शनाख्त कर चुके होंगे, यहाँ उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा रुबाई में सिर्फ चार मिसरे होते हैं, इसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, और इसके बाद जो अगर उसमें रदीफ है तो रदीफ हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी जो अगर जिसमें रदीफ है तो उसे गैर मुरद्दफ, जिसमें रदीफ उसे मुरद्दफ रुबाई कहेंगे, और जिसमें नहीं है उसे गैर मुरद्दफ, जिस तरह से हम गज़ल में कहते हैं कि गैर मुरद्दफ गज़ल और मुरद्दफ गज़ल, इसी तरह रुबाई में भी होते हैं। लेकिन कुछ रुबाइयात ऐसी भी मिलती हैं जिनमें उसका तीसरा मिसरा भी हम काफिया होता है, उसमें भी काफिये की पाबंदी होती है। और ये कोई ऐब नहीं, अगर कोई शायर बहुत अच्छा है, बहुत उस्ताद शायर है, तो वो चौथे मिसरे में भी काफिये का अहतमाम बड़े सलीके से करता है, और उसमें एक मानवीय खूबी पैदा हो जाती है, हुस्न पैदा होता है। जैसा कि हमने कहा कि रुबाई का कोई ख़ास मौजू नहीं है, इसके किसी भी मौजू में यह बात की जा सकती है, जैसे हमदिया है, नातिया है, इश्किया मौजूआत है, या फ़लसफियाना अखलाकी मौजू है, या कोई नसीहत आमोद बात की जा रही है जिससे आपको नसीहत मिले, इबरत हासिल हो, वगैरह वगैरह जो है। लेकिन अच्छा, रुबाई को हम तराना भी कहते हैं, और इसका एक नाम है और जिसका एक दूसरा नाम दो बैती भी है, लेकिन मौजूदा दौर में रुबाई ही ख़ास तौर पर मशहूर है। फ़ारसी में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी असनाफ फ़ारसी ज़बान के ज़रिए आई हैं, जैसा गज़ल भी है, कसीदा भी है वगैरह जो है फ़ारसी, इसी तरह रुबाई भी फ़ारसी के ज़ेर असर उर्दू में आई है। और फ़ारसी में रुबाई के एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं जिनका नाम है उमर खय्याम। उमर खय्याम की रुबाइयाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हो चुकी हैं और मशहूर हो चुकी हैं, तो उसी फ़ारसी के ज़ेर असर हमारे यहाँ उर्दू में भी रुबाई आई है। उर्दू में रुबाई का आगाज़ फ़ारसी के ज़ेर असर हुआ। इसमें देखिए ख़ासकर जो शोरा है, जो रुबाई गो शोरा हैं जिन्होंने रुबाइयात कही हैं, उसमें कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजह, मीर मुतकी मीर है, मुसफ़ी है, मीर हसन है, मीर अनीस है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, अमजद हैदराबादी, जोश मलियाबादी, जगत मोहन लाल रवा, यगाना चंगेज़ी, तिलोक चंद महरूम, फिराक वगैरह, इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं जो ये बहुत ख़ास ख़ास नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं जिन्होंने रुबाइयात कही हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे निसाब में जो रुबाई शामिल है वो कौन कौन सी है। देखिए जो रुबाई की जो हमने तारीफ़ बताई वो यहाँ भी शामिल है, किताब में भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत मुख्तसर तौर पे है, हमने उसको ज़रा तफसील से वजाहत कर दी है। एक बार फिर रुबाई के बारे में जान लेते हैं कि रुबाई में चार मिसरे होते हैं, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, कभी कभी तीसरे मिसरे में भी काफिया की पाबंदी की जाती है। और रुबाई एक मखसूस बहर में होती है जिसका नाम बहर हज़ज है, और इसके 24 औज़ान हैं, उन्हीं औज़ान में रुबाई कही जाती है। इसके अलावा ये देखते हैं कि सबसे पहले मीर बबर अली अनीस का नाम आता है, और ये ख़ास तौर से इनकी जो शनाख्त, इन्होंने गज़ल भी कही है, लेकिन इनकी ख़ास शनाख्त मरसिया गो के हवाले से है। इन्होंने मरसिया, जिसको एपिक के कहते हैं कि उर्दू में एपिक को अगर किसी ने ज़िंदा रखा और किसी ने उसको एक नाम दिया, एक शोहरत बख्शी, तो उसमें मीर अनीस का नाम बहुत अहम है। मीर अनीस के बाद मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का भी नाम आता है। तो मीर अनीस लखनऊ के रहने वाले थे, इनका जहाँ गज़लें भी कही हैं, रुबाइयात भी कही हैं, वहाँ मरसी में भी इसका नाम है। इसके अलावा जिन्होंने जो रुबाइयात कही, इनकी दो रुबाइयाँ हमारे निसाब में शामिल हैं। अब आइए उन रुबाइयों पे हम बात करते हैं कि आखिर उसका कौन कौन सी है। ये देखिए मीर अनीस की पहली रुबाई है कि गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादनों को हो दश्तो दरिया देखूं, हर्जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरा हूं कि दो आँखों से क्या क्या देखूं।
इन यानी चार मिसरों में ये बात यहाँ कह दी गई है। और जैसा कि हमने कहा था कि काफिया जो पहले दूसरे और चौथे मिसरे में होता है, तो पहले मिसरे में काफिया देखिए सहरा है, उसके बाद सहरा की रियायत से यहाँ दरिया काफिया आया है, और फिर चौथे मिसरे में उसकी रियायत से क्या क्या आया है, और देखूँ जो देखूँ ये उसके रदीफ हैं। तो गुलशन में फिरूँ कि सैर सहरा देखूँ, या मादनों को हो दस्तो दरिया देखूँ, हर्जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरा हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूँ। इसमें हमद इस रुबाई को जो हम कह सकते हैं, इसका मौजू जो है हमद, और हमद जैसा कि अभी हमने वाज़े किया कि खुदा की तारीफ जिस कलाम में की जाती है उसको इस्तलाहन या टर्म में हम हमद कहते हैं। तो इसमें खुदा की जलवागरी की बात कही गई है कि गुलशन, गुलशन का मतलब कहते हैं सैर व तफरी की जहाँ, गुलिस्तान को कहते हैं, चमन को कहते हैं, या बाग को कहते हैं, यानी सैर व तफरी के लिए जहाँ जाए गुलशन में फिरूँ, फिर ना मरे आना जाना, या सहरे सहरा देखूँ, सहरा कहते हैं जंगल को, चाहे मैं गुलशन में जाऊँ या जंगल में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, या मादनों को हो दस्तो दरिया देखूँ। मादन कहते हैं कान, खान जिसको हम कहते हैं, जहाँ खुदाई की जाती है, धात निकलती है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ मादनी अशिया, तो उसको मादन कहते हैं। कोह कहते हैं पहाड़ को, दस्त कहते हैं जंगल को, और दरिया तो आप जानते हैं दरिया। तो कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ गुलशन में फिरूँ कि सहरे सहरा देखूँ, या मादनों को हो दस्त दरिया देखूँ, हर्जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे। यहाँ कुदरत से मुराद अल्लाह ताला से, तेरी कुदरत की मुराद यानी उसकी ताकत, उसकी जहाँ जहाँ भी रसाई होती है, जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं उसकी कुदरत हमें नज़र आती है, उसकी खूबी नज़र आती है। हैरा हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूँ। अब शायर यहाँ पर हैरान है कि जब दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, कायनात इतनी बड़ी है, और हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं, चाहे हम जंगल में जाएं, बाग में जाएं, सहरा में जाएं, या पहाड़ देखें, या कुछ भी देखें, उसकी कुदरत के तमाशे हमें हर जगह नज़र आती हैं। यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमें अल्लाह ताला की या भगवान की या जो हमको कायनात को, यूनिवर्स को बनाने वाला है, उसके जलवे ना नज़र आते हों। कहने का मतलब हर जगह उसकी मौजूदगी है। ये पूरी दुनिया जो उसने बड़ी खूबसूरत बनाई है, हम अगर खूबसूरत जहन से देखेंगे, नज़र से देखेंगे, तो ये हमें अच्छी लगेगी। तो कहता है कि हैरा हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूँ। आँखें दो हैं लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ कहाँ हम नज़र दौड़ाएँ, यानी जहाँ जहाँ भी हमारी नज़र जाती है, जिधर भी जाती है, जहाँ जहाँ देखते हैं, वह उसके कुदरत के नज़ारे हम उसके जलवे देखते हैं। इसी बात को मिर्ज़ा गालिब ने बहुत ही सलीके से कह दिया है कि कह सके कौन कि ये जलवा गरी किसकी है, कह सके कौन ये जलवा गरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए ना बने। पर्दा छोड़ना मारे इस कायनात पे एक उसने पर्दा डाल रखा है, वो छोड़ रखा है कि हर जगह जहाँ जहाँ भी हम गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, ख्याल करते हैं, तो मालूम है कि ये तो सारी करिश्मा साजी उसी अल्लाह ताला की है कि उसी की जलवा गरी हर जगह जो है। तो इस में सिर्फ एक ये बात है कि इस पहली रुबाई में कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की हमद बयान की, खूबी बयान की गई है, उसकी खूबी को मुख्तलिफ तरीके से वादे किया गया है। अब यहाँ देखिए जो ज़बान सीखने की बात है कि इसमें हर्फ अत्व का इस्तेमाल किया गया है, इसको वाव अत्व भी कहते हैं, जैसे मादनों को हो दस्तो दरिया, यानी तीन वाव के जरिए चार लफ्ज़ों को जोड़ दिया गया। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और इसमें जो मकसद है, जो मतलब बयान किया गया है, उसे तलबा अपनी ज़बान में लिख सकते हैं। इसी तरह मीर अनीस की दूसरी रवाई है, देखिए, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। यह एक अखलाकी मौजू पर यह रुबाई मुनसिर है, बेस्ट है, और जिसमें अखलाकियात में ये आता है कि जो कुछ भी हमारी मेहनत तो होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते जो हैं। तो कहते हैं अगर हमें कोई रुतबा मिला है, कोई कामयाबी मिली है, तो हमें उस पर इतराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सारी चीज़ जो है किसकी तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से है, खुदा की तरफ से। वही जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिससे चाहता है जिल्लत देता है। और अगर हमें कोई रुतबा मिला है तो हमें उस पर जो है नाज नहीं करना चाहिए। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है। फिरोतनी कहते हैं आजिज़ी को, खाकसारी को, यानी अगर हमें कोई रुतबा मिल गया, इज्जत मिल गई या ओहदा मिल गया, तो हमें बहुत अकड़ना नहीं चाहिए, बहुत फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को बहुत आजिज़ी के साथ लोगों से मिलकर झुक कर मिलना चाहिए। यह बात कहता है शायर जो है, जिसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि जिस दरख्त पे फल लगते हैं तो वो फल उसकी शाखें झुक जाती हैं फल आने के बाद, यानी उसकी अहमियत बढ़ जाती है जो है।
अगर वो झुके ना तो इसका मतलब कि और जिसमें फल आता है, जिसमें खूबी होती है, वो इंसान जो है नर्म होता है और अंदर से नर्म होता है, दूसरों के लिए वो सख्ती अख्तियार नहीं करता बल्कि नरमी से पेश आता है। और अब जो तीसरी लाइन में देखिए, करते हैं तही मग्द सना आप अपनी। तही मग्द कहते हैं जो खाली दिमाग है, जिनके दिमाग में कुछ नहीं है, जो अहमक हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, वो अपनी तारीफ़ आप किया करते हैं। सना माने तारीफ़, और तही मग्द माने जो तही दिमाग है, खाली दिमाग है, उनके खाली जहन जिसको कहते हैं, वो अपनी तारीफ खुद किया करते हैं। और जो फिर इस तरह कि जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है, ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, अगर वो खाली है तो उससे बहुत आवाज़ आएगी, जो है आवाज़। आप देखिए किसी लोटे में कुछ भी कोई एक चीज़ डाल दी तो आवाज़ बहुत करता है, लेकिन अगर वो भरा हुआ है तो वो आवाज़ नहीं करेगा, जो है। तो इसके तरफ जो है हमारे यहाँ हिंदी में दो कहावतें बड़ी मशहूर हैं, आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि एक तो ये है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिस घड़े में गगरी में पानी कम होता है उसको लेके चले तो पानी छलकता है, जो है इधर उधर पानी, तो उसको यानी जो आदमी कमज़र्फ है और कमीना है उसके बाद थोड़ी चीज इज्जत मिलने पे वो बहुत इतराने लगता है, कहने का मतलब। भी इसकी दूसरी कहावत आप देखिए कि थोथा चना बाजे घना, ये भी आपने सुना है, वो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने गुफ्तगू में। तो जो चीज़ हल्की होती है वो बहुत जल्दी आवाज़ पैदा करती है, और जो चीज़ बजनी होती है उससे आवाज़ नहीं निकलती। तो वही कहता है शायर की हमें अपनी तन्हाई, वो अपने अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए। ये सब मिन जानिब हमारी कोशिश तो है, हमारी मेहनत तो है, लेकिन बहुत लोग मेहनत करते हैं कामयाब नहीं होते। तो जो कुछ भी हमें मिला है हमारी अपनी कोशिश के बावजूद, देने वाला जो है तो वो अल्लाह ताला है, खुदा है, या और भी कोई नाम दे लीजिए उसको, वो है। तो हमें अगर मिलता है तो हमें बहुत आजिज़ी से इंसारी से पेश आना चाहिए, ना कि इतराना और अकड़ना चाहिए, जो है। ये तो मीर अनीस की दो रवायात हो गई। और जैसा कि हमने कहा था कि और भी दो शायर हैं, अब तिलोक चंद महरूम ये उर्दू के बहुत अहम शायर हैं, गुजरे हैं, और इनकी शायरी आमतौर पर हुब्बुल वतनी पे है, मंजर पे बहुत नेचरी शायरी है, नेचुरल शायरी की है, मदन निगारी की है, हुब्बुल वतनी पे भी है, लेकिन इसके साथ रुबाइयाँ इनके यहाँ बहुत अच्छी हैं, जो है। तो आइए उनकी रुबाइयों पर भी हम गौर करते हैं। तिलोक चंद महरूम, तिलोक चंद महरूम की रुबाइयात को हम देखते हैं कि अब इसमें देखिए, एक फितरत की दी हुई मसरत खोकर, फितरत की दी हुई मसरत खोकर, औरों को न कर मलूल गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। तो यहाँ भी देखिए, अगर आप इसी रुबाई पर गौर करें तो इसमें जो है कर जो है का रदीफ है, और खो हो और रो, ये तीन अल्फाज जो है ये काफ़िया हैं। अब इसमें जो बात की गई, एक फ़ना का तस्वुर, यानी दुनिया फ़ानी है, कोई चीज़ जो है ये कायनात थोड़ी, पूरा यूनिवर्स जो कुछ भी है, या हम इंसान आता है उसकी भी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है, 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल, बहुत ज़्यादा 100 साल, फिर वो तो एक फ़ना का तस्वुर है। और ये भी शायद इसमें कहता है कि आप इसको या तो बैठ कर गुजार दीजिए या इसे जो है मेहनत करके गुजारिए। पहला इसका मिसरा कि फितरत की जो ही मसरत हो अगर, यानी जो के यूनिवर्स बना ये हमारे लिए, इससे हमें लुत्फानंदोजी होना चाहिए, ना कि इससे घबराना चाहिए। लुत्फानंदोज हम सभी हो सकते हैं जब हम हाथ पैर मारे चलाएं, कोशिश करें, मेहनत करें, तभी हमें मसरत हासिल होगी। औरों को ना कर मलूल गमगी होकर, मलूल कहते हैं उदास, रंजीदा, और गमगीन के माने भी यही हैं। तो हमें ना तो खुद अपनी मसरत को नहीं खोना चाहिए, अपनी खुशी को जो है ज़ाय नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए, और दूसरों की खुशी को दूसरों को भी नहीं रंजीदा करना चाहिए, बल्कि इस कायनात से, इस दुनिया से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं भी करते तो ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी। हाँ, अपने आप को कुछ भी ना करें, लेकिन वक्त जो आप सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, साल है, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है। आप जितना भी देर अगर चाहे, जिसको बहरहाल गुजर जाएगी, हम इसे रोक नहीं सकते। वक्त को आज तक कोई बांध के नहीं रख सका है, रोक के नहीं रख सका है, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता रहा है। तो वही शायर कहता है कि ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंसकर इसे गुजार या रोकर। अब इसको चाहे आप मेहनत करके हंस के गुजारने का मतलब यह कि हर वक्त हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक सुकून के साथ, इत्मीनान का मतलब यहाँ। अब सुकून आपको कब होगा, इत्मीनान कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी हमारी मेहनत पर मुनहसर होती है। तो जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सुकून हासिल होगा, तभी हमें मसरत हासिल होगी। तो इसे दुनिया में रोक कर आए हैं तो इसको रोक नहीं गुजारना है, बल्कि इससे फ़ायदा उठाकर हंसकर गुजारना पड़ेगा।
बिल्कुल, और मैं सर समझती हूँ कि ये जो रुबाई आपने बताया आज के बारे में, जो ये टॉपिक है, ना सिर्फ ये चार मिस्र, मैं समझती हूँ कि जिसमें जानकारी है, जिनके पीछे एक मैसेज है, वो इसकी कोई सीमा ही नहीं है इस तरह की। बिल्कुल, अब देखिए, अब इनकी दूसरी रुबाई है कि जो कौमी यकजहती और क्या कहते हैं पाकबादी पर मुनसर है। एक तस्वुर है कि हमें संभल कर रहना चाहिए, जो है मज़हब की ज़बा पर है निकोई का पैगाम, यानी मज़हब की चीज़ का पैगाम देता है, नेकी का पैगाम देता है, अच्छा कोई भी मज़हब हो, कोई मज़हब बुरा नहीं है और ना कोई मज़हब किसी गलत बात को पेश करता है। यह तो हमारे और आपके सोचने की बात है कि हम उससे किस तरह इस्तेफादा करें, किस तरह फ़ायदा उठाएँ। तो मज़हब की ज़बा पर है निकोई का पैगाम, यानी कोई भी मज़हब जो है बुराई का पैगाम नहीं देता, बल्कि हमेशा नेकी का ही पैगाम देता है। हुस्ने अमल और रास्त गोई का पैगाम, हुस्न अमल का मतलब अच्छे काम करने के, वो दिए आपको बताता है अच्छे काम, और रास्त गोई, रास्त माने सच्चाई, और गोई माने कहना, बात करना, तो वो रास्त यानी सच्चाई, सच बोलने की वो हिदायत देता है, पैगाम देता है। मज़हब के नाम पे लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का काम, यानी मज़हब लड़ाई का पैगाम नहीं देता, हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे से मिलजुल कर, सुलह जोई का मतलब मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर मिसरा है, आपने पढ़ा होगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो इसमें वही पैगाम है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें कौमी यकजहती का पैगाम है। इसी तरह आप देखिए कि अगली रुबाई जो हमारे पास है वो फिराक गोरखपुरी की है, दो रुबाइयाँ और हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो फिराक गोरखपुरी भी हमारे बहुत मशहूर शायर हैं, गज़ल के शायर रहे हैं और रुबाइयाँ भी बहुत कही हैं, और ये ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। अच्छा। इनका नाम, पूरा नाम रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, लेकिन फिराक के नाम से कहा जाए तो आम लोग बहुत कम होते हैं कि ये समझते हैं कि ये मुस्लिम थे, लेकिन उर्दू शायरी का एक मिजाज ऐसा रहा है कि इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं, बहुत सारे गैर मुस्लिम शोरा ने भी उर्दू अच्छी शायरी की है। तो इनकी जो शायरी है फिराक गोरखपुरी की, वो देखते हैं कि इसमें जो कौमियत का तस्वुर है, इत्तेहाद और मिलजुल का यहाँ भी तस्वुर है। एक हल्का है जंजीर तो जंजीर नहीं, एक हल्का एक नुक्ता है तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। यहाँ भी वही इत्तेहाद का पैगाम है, मिलजुल कर पैगाम है। कहते हैं जंजीर किस तरह, अगर हम किसी चीज़ को जंजीर कहते हो, जंजीर का क्या हल्का, उसका एक हल्का दूसरे हल्का इस तरह पेवस्त होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, इतनी वो चैन बनती जाती है, लेकिन अगर सिर्फ एक हल्का हो तो उसे हम जंजीर नहीं कहते। इसी तरह कहते हैं कि अगर तस्वीर होती है तो तस्वीर में बहुत सारे नुक्ते मिलकर तस्वीरें बनती हैं, सिर्फ एक नुक्ते से कोई तस्वीर वाजह नहीं होती। तो पहले दो मिसाल वो देता है दोनों लाइनों में, एक हल्का है जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ता है तस्वीर तो तस्वीर नहीं, और अब तीसरी मिस्र तीसरे लाइन में वह कहता है तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं, यानी हमारी तकदीर तो मालिया की बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी सारी कोशिश अपने ही बनाने में लग गया, जिसका मतलब कि आपने ज़माने को फरामोश कर दिया, समाज को फरामोश कर दिया, अपने पड़ोसियों को भूल गया, यानी सब मिलकर, अगर सब मिलकर कोशिश करें तो वही चीज़, वही जो किस्मत जो है कौम की तकदीर होती है, जब तक कौम की तकदीर नहीं होगी तब तक इत्तेहाद और मेल नहीं हो सकता। जो है एक आखिरी रुबाई और इनकी, वो भी एक मिनट लगेगा, एक जिसमें जीने के सलीके की बात कही गई है कि हर ऐप से माना कि जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए, शायर का तो बस काम ये है हर दिल में कुछ दर्द हयात और सबा हो जाए। अगर इंसान सारी बुराइयों से पाक हो जाए तो उसे खुदा के रुतबा लोग कहते हैं, तो खुदा हो गया, तो हम क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कितना भी, लेकिन शायर का काम यह है, उसका कहना यह है कि वो जो कुछ महसूस करता है, ज़िंदगी कदर, दर्द हयात का मतलब ज़िंदगी कदर, जो कुछ उसने महसूस किया है वो दूसरे लोग भी उसी तरह महसूस करें, उनके अंदर भी वही दर्द पैदा हो जाए। तो इस तरह आज हमने देखा कि रुबाई के बारे में हमने पढ़ा, तीन रुबाई की तारीफ भी हमने देखी कि किसे कहते हैं, किस तरह ये दूसरी अफनाब से मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर से कथा से किस तरह मुख्तलिफ है, और तीन जिन तीन शोरा की हमने रुबाइयाँ देखी उसमें मीर अनीस है, तिलोक चंद महरूम है, और तीसरे हमारे फिराक गोरखपुरी हैं। इन सभी हजरात की दो दो रुबाई जब आपके सामने पेश की गई, उनका मतलब वाज़ेह किया गया, और उम्मीद है कि आपने इन रुबाइयों का मकसद समझ लिया होगा, और आपका काम अब यह है कि आप अपनी किताब में भी इनको बगौर पढ़ें, और जहां न समझ में आए उसे आप अपने उस्ताद की मदद से मज़ीद समझने की कोशिश कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। बिल्कुल सर, और जैसे कि मैंने सेशन के बीच में सर से कहा था कि ये जो रुबाई आज हमने पढ़ी सत्र में वो ना सिर्फ चार मिस्र की है बल्कि उनके पीछे का जो उद्देश्य है, जो उनके पीछे की जानकारी है, वो बहुत ही बेहद डीप है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए आज हम ये सत्र को यहीं पर समाप्त करने वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ जुड़े, इस सत्र को इतना इन्फॉर्मेटिव बताया, इतना हेल्पफुल बनाया हमारे दर्शकों के लिए, उनका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद सर। ओके, शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, आप जुड़े रहिए एनसीईआरटी ऑफिशियल और पीएम यूथ के चैनल के साथ हमारे अन्य सत्रों के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।